फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर में गुरुवार की शाम को केसपुरा गांव में राजीव नामक युवक को उसके ही पड़ोसी ने गोली मार दी। वो तो गनीमत रही, युवक के पैर में टच करते हुए निकलने से गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोप है आरोपी पड़ोसी विक्रम ने खेत में मेड़ काट ली थी, जिसको लेकर सुबह झगड़ा हुआ था, जिसके चलते युवक को गोली मार दी। घायल को उपचार मेडिकल के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले? केशवपुर मठ थाना, थाना मक्खनपुर सर। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं सुबह 10 बजे घर से निकला था, मैक्स से उधर मोटर लेने आया था फिरोजाबाद। 4 बज के सर 20 मिनट पे मैं अपने ट्यूबवेल पे पहुँचा हूँ। उसके बाद सर मैं आ जाऊँ अपने गांव में। गांव में जैसे चौराहा होता है ना, उस पर आ रहा था सर। मैंने अपने चचा दाऊ के लड़कियों को लेवाने आया था मेरे समर डलवादोपुर में। उसके बाद सर मैं रास्ते में चल रहा था उधर ही ट्रैक पर, डायरेक्ट उसने ना निकाल के तमंचा सीधी गोली दी। वजह क्या रही मेरी? सर कोई वजह नहीं, बातचीत कुछ नहीं हुई। और पिछली जो साल निकल गई है, वो बाप ने गोली दी थी तब कनपुटी से होके निकल गई थी सर। अब क्यों पहले भी मारी, क्यों वजह क्या रही? पहले ऐसे ही गांव में मतलब जमीन फमीन है ना, इसके चक्कर में। आपका जमीन का कोई विवाद है? हाँ सर, आपकी जमीन? मेरी जमीन है उसकी है ना, वो मेड़ फेड़ काट देता है, गाली फाली देते हैं, उसको समझाते हैं, तो इस चक्कर में ना वो रंजेश मान गया है सर। मैं गुजरात नौकरी करता हूँ सर। तो आपके लगी है क्या गोली? हाँ सर, गोली लगी है, 315 बोर की गोली दी है उसने सर।